आज के इस खतरनाक वीडियो में हम आमने सामने करने जा रहे हैं अफ्रीका के दो सबसे खतरनाक जानवरों को, जो अपने इलाके के राजा होते हैं। जिनमें से एक तो ऐसा है जिसके इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाइनाज की, जिनके इलाके में एक चूहा भी बिल खोदने से पहले 100 बार सोचता है। जबकि दूसरी तरफ मैं शामिल कर रहा हूँ शेरों को। अफ्रीका में शेरों और लकड़बग्गों की लड़ाई आम बात है। आप मानो या ना मानो, पर हर आए दिन ये लड़ते रहते हैं। शेरों को इन लकड़बग्गों से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन लकड़बग्गों की आदतें ही ऐसी है कि मतलब कोई चांस नहीं बचता शेरों के पास इनसे लड़ने के अलावा। अफ्रीका में और भी जानवर रहते हैं जो शिकार करते हैं, जैसे चीता, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, सियार और भी बहुत सारे, लेकिन शेरों के सबसे बड़े दुश्मन ये लकड़बग्गे हैं। वीडियो में हम इन दोनों जानवरों की खतरनाक लड़ाइयाँ देखेंगे और जानेंगे कि कौन सा जानवर ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। अगर आज आप इंटरनेट पर लायन वर्सेस हाइना सर्च करोगे तो आपको वहाँ बहुत सारे ऐसे खतरनाक वीडियोस मिलेंगे जिनमें ये दोनों जानवर आपस में लड़ते मिलेंगे। यहाँ तक कि मुझे तो एक ऐसी फोटो भी मिली है जिसमें हाइना ने एक शेर के सिर को मुंह से पकड़ा हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है, ये काम किसी एक हाइना का नहीं है। हाइना के ग्रुप में 80 हाइनास तक होते हैं, जिनकी लीडर एक मादा हाइना होती है। ग्रुप का हर एक हाइना उस मादा हाइना के आदेश पर चलते हैं। आपको बीच में ये दिखाने के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए, सिर्फ 4.5% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ यार कर दो सब्सक्राइब। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे हाइना ग्रुप की, हाइना ग्रुप को हाइना क्लैन कहते हैं, तो अब हम इसे हाइना क्लैन ही कहेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हाइना क्लैन में 80 हाइनास तक होते हैं और हाइना के पास यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक दो हाइना तो कभी भी शेरों को परेशान नहीं करते। 80 हाइनास में इनके बच्चे, नर, मादा सब शामिल है। शिकार के लिए कभी भी सभी हाइनास नहीं जाते। कुछ मादा हाइनास अपने बच्चों के साथ अपने घरों पर ठहरती है, लेकिन फिर भी 30 से ज़्यादा हाइनास आपको एक साथ शिकार पर दिख जाएंगे। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि शेरों द्वारा शिकार किया गया है, ये तुरंत उस इलाके की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उस जगह पर जाकर पहले शेरों से लड़ते हैं और फिर उनका शिकार छीनते हैं। दरअसल बिल्ली और कुत्तों में यही एक फ़र्क है। बिल्लियाँ अक्सर शिकार को पहले मारती है, फिर बड़े आराम से उसे खाती है, लेकिन कुत्तों की प्रवृत्ति कुछ और है। कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। यहाँ इस लड़ाई में बिल्ली एक शेर है जबकि कुत्ता एक हाइना है। मतलब ये कि शेर जो है वो बिल्ली परिवार से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हाइना एक कुत्ते परिवार से, इसलिए इनकी आदतें ऐसी है। हाइनास बिना परवाह किए शेरों द्वारा किए गए शिकार पर हमला करते हैं और उसे सीधा खाना शुरू कर देते हैं, और फिर ये इतने सारे होते हैं कि शेरों को शिकार छोड़ना पड़ता है। और हाइनास की सबसे खतरनाक बात ये कि ये इतनी जल्दी मांस को चट कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक विल्डरबीस्ट को खाने में ये 20 मिनट से भी कम समय लेते हैं। इनका पेट पेट नहीं हुआ है, कितना भी खिलाओ भूखा ही रहता है। दूसरी तरफ हम शेरों की बात करें तो उनके ग्रुप को प्राइड बुलाते हैं, और शेरों के एक प्राइड में कुल 20 से 30 सदस्य होते हैं, जिनमें शेर, शेरनियाँ और उनके बच्चे शामिल है। प्राइड का लीडर एक अल्फा नर शेर होता है जो सभी को आदेश देता है। हाइनास के ग्रुप में ये चीज़ बहुत कम मैटर करती है कि कौन ताकतवर है और कौन नहीं। हाइनास में सबके सब भूखे दरिंदे होते हैं, लेकिन शेरों में ऐसा नहीं है। पहली बात तो शेर काफ़ी आलसी जानवर होता है। प्राइड में सबसे ज़्यादा शिकार शेरनियाँ करती है, इसलिए हाइनास अक्सर शेरनियों से शिकार छीन लेते हैं। लेकिन जब बात शेरों के प्राइड और हाइनास के क्लेन की आमने सामने की लड़ाई की होती है, तो हमेशा याद रखना, शेर जंगल का राजा होता है और वो जंगल का राजा यूं ही नहीं बना। इसलिए इस लड़ाई में हमेशा जीत शेरों की होगी,
क्योंकि एक ताकतवर जवान शेर लगभग 20 हाइनास के बराबर का है। हाइनास का मुंह इतना बड़ा नहीं है कि वो शेर की गर्दन को दबोच सके और शेर को मार सके, लेकिन शेर का मुंह इतना बड़ा है कि हाइनास की पूरी गर्दन उसमें समा सकती है। और रही बात इस फोटो की, तो मैं बता दूं कि ये कोई अकेला घायल या फिर बूढ़ा शेर होगा जो इन हाइनास के हाथे चढ़ गया होगा। और फिर हाइनास में तो सब्र नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए ये हाइना इस शेर के मुंह को लेकर भाग रहा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में विनर शेर होंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जल्दी मिलते हैं इसी तरह के एक और खतरनाक और रोमांचक वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।